रायगढ़ के धरमगढ़ में यहाँ पर एक गांव ऐसा है जहाँ पर रहवासियों को गांव से बाहर जाने के लिए हर बार अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं धरमगढ़ के नरकालो गांव की, जहाँ नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों के पास एकमात्र नाव है, जिसके जरिए रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चे, कामकाज के लिए जाने वाले ग्रामीण और महिलाओं सभी को इस नाव के जरिए ही नदी को पार करना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में तेज धार होने पर या मौसम बिगड़ने पर अक्सर लोगों की जान को खतरा बना रहता है। यही हाल फतेहपुर गांव का भी है। परेशान ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नदी पर पुल निर्माण करने की मांग की, लेकिन अब तक इस दिशा में न तो कोई पहल की गई है और न ही इसके आसार नजर आ रहे हैं। बस यहाँ पे पुल बनना था, पुल की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ आना जाना करने के लिए बहुत समस्या पड़ता है, बहुत खतरा रहता है, लेकिन क्या करें, आप समस्या पड़ रहता है। इधर आदमी गांव नरकालो सीधा जाना पड़ेगा धरमजयगढ़, कुछ भी काम के लिए धरमजयगढ़ जाना पड़ेगा, तो इसी से जाना। अधिक जानकारी साथ शेख आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, यहाँ पर ये फतेहपुर के अलावा और कितने गाँव ऐसे है जहाँ पर आलम यही है, नाव के सहारे जिंदगी चल रही है जो कि कभी भी पलट सकती है? जी, मैं बताना चाहूँगा, धरमजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ये नरकालो बासी और नरकालो के बीच ये मांड नदी बहती है, जिसमें पूर्वजों से जो है ये नाव के सहारे चल रहे हैं और रोजाना ग्रामीण जो है जान जोखिम में डालकर आना जाना करने को मजबूर हैं। और इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा जनप्रतिनिधियों से काफी शिकायत कर चुके हैं ग्रामीण, लेकिन अब तक कोई भी पहल नहीं किया गया। केवल एक आश्वासन देकर जो है मामले को शांत कर दिया जाता है और अब स्थिति ये बन गई है कि लोग नाव से सफर करने से कतराने भी लगे हैं, वहीं लेकिन मजबूरन जो है उनको आवाजाही करनी पड़ती है। शेख आलम, जिस तरीके से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ये तो मौसम चलिए बारिश का नहीं है, बारिश में किस तरह से ये आवागमन होता है जब नदी नाले उफान पर होते हैं और बारिश अपने शबाब पर होती है? जी, बताना चाहूँगा कि जब बारिश शबाब पे होती है तो उस वक्त देखा ये जाता है कि नदी के उस पार जो रहवासी हैं वो या तो नहीं आ पाते नगर धरमजयगढ़, या फिर एक घुमावदार रास्ता है जिस रास्ते से वो 20 किलोमीटर का दूरी सफर तय करके नगर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो काम होता है वो भी प्रभावित होता है समय के अभाव में, और कुल मिलाकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको और रोजाना जो है जान जोखिम में डालकर नाव से सफर कर आना जाना कर रहे हैं। शेखा, हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, उनको इन हालातों के बारे में जानकारी है और है तो आखिर उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया आप तक, कितने बार? जी बिल्कुल, ये अभी भाजपा का कहना चाहिए 15 सालों का शासन रहा। उस दौरान ग्रामीण जो है कईयों बार सांसद से लेकर विधायक सांसद सभी को शिकायत कर चुके हैं, उसमें लिख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें काफी परेशानी है आने जाने में, नगर से हमारा नाता ही टूट चुका है, यहाँ एक पुल की एक पुल की जरूरत है, लेकिन केवल उनसे केवल एक आश्वासन ही मिला है अब तक के और इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई पुल बना है। फिलहाल अभी वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार, रुकना चाहूंगा शेख आलम, मैं आपको, सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुराठिया जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं और उसके बाद भी यहाँ पर पुल नहीं बना रहा है, और न बनने का पुल का कारण क्या है? भाजपा शासन काल में आवेदन ना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, निवेदन है कि नेटवर्क में आके जरा बात करिएगा आप। सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप सरपंच हैं, आपके द्वारा क्या प्रश्न किया गया कि यहाँ पर पुल का निर्माण हो सके, क्योंकि जिस हिसाब से नाव में लोग बैठ के जाते हैं उनके लिए जान का खतरा बना रहता है। हालांकि बताया गया कि दूसरा ऑप्शन भी है एक रास्ते का, लेकिन वो 20 किलोमीटर का है। क्या वाकई 20 किलोमीटर का है या फिर ग्रामीण शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में या नाव से ये नदी को पार करते हैं? वास्तव में वो 20 किलोमीटर है। जी राजी, जी जी 20 हाँ। किलोमीटर है ऊपर से और इसमें थोड़ा जंगल भी पड़ जाता है आने जाने में,
और इसमें नजदीक है, इसमें 10 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अपना जान जोखिम डाल के अब इसी में आना जाना लगा रहता है धर्मजगढ़ के लिए। ठीक है, और इसको जनप्रतिनिधि तक आवाज पहुंचाई गई, उनका क्या कुछ कहना था? और अभी भी आप कांग्रेस की सरकार है तो कर लीजिए। हाँ तो चलिए, बीजेपी की सरकार में नहीं बना तो कांग्रेस की सरकार से उम्मीद तो जागी होगी। जब से कांग्रेस की सरकार आई, आपके द्वारा क्या प्रश्न किया गया? मतलब किसी प्रकार का कोई ज्ञापन या कोई मांग रखी गई? जी मांग तो कि युवराज जी बस आप भी और ग्रामीणों की तरह बस रोज अन्नाव से ही आवाजाही कर रहे हैं कि चलो हालात जो बने हुए बने रहे, आप सरपंच होते हुए भी ये आवाज ठीक से नहीं आपकी नैतिक, हाँ अब आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, नैतिक जिम्मेदारी जो आपकी बनती है क्या आप उसे निभा रहे हैं? आपके द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया गया? जनपद सीईओ से बात की हो आपने, किसी से भी आवाज उठाई हो? जी जी, हमारे द्वारा कई बार सभी को आवेदन लिखा गया है, लेकिन अब आप कार्यवाही का कोई नहीं किए हैं। चलिए युवराज जी, आपकी बातों से नजर आ रहा है कि आपने कितना प्रयत्न किया है यहाँ पर पुल बनवाने के लिए। सरपंच है आप, ताज्जुब की बात है। बिल्कुल हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से आपने बात सुनी, उनका कहना था कि यहाँ पर हालात जो बने हुए शेख आलम, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के लिए सरपंच बनाए गए हैं, उनके आलम यह है कि वो सही से जवाब तक नहीं दे पा रहे, तो जनता को तो शायद ही नाव से ही सफर करना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि ये अभी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है और ये महज अभी साल भर हुआ है, और जनप्रतिनिधियों का ये भी कहना है कि अभी साल भर हुआ है और आगे जो है आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों से शिकायत भी मिली है कि हमें पुल की आवश्यकता है, बिना पुल के हम आवाजाही नहीं कर सकते। तो केवल एक आश्वासन ही कांग्रेस सरकार से भी फिलहाल मिला है अभी। आप और आपको बता दें कि सालों से बीत जाने के बाद भी यहाँ पर नाव से ही लोग आवाजाही करते हैं। ये कश्ती जो इन्हें इस नदी से उस पार ले जाती है, कभी भी ये हादसे का शिकार हो सकती है, इनकी भी कश्ती इस कश्ती के साथ डूब सकती है। लेकिन प्रशासन है कि इनके कहने के और ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ आश्वासन मात्र ही इन्हें मिलता है, जिसके सहारे ये आज भी नाव से सफर कर रहे हैं।